जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। भागलपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से भयानक आग लगी। घटना मुजाहिदपुर थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर घटी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि कैलाश नामक शख्स के घर में जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कैलाश केरोसिन तेल के बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करता था और इसकी भनक मुजाहिदपुर पुलिस को नहीं थी। थाने के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हो रहे केरोसिन तेल का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार पर स्थानीय लोग आक्रोश में भी दिखे। इधर घटना से आसपास के आधा दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने करीब 2 घंटे तक आग पर काबू पाने की कड़ा प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। घटना के बाद शहर धुआं धुआं हुआ। लोगों का कहना था कि शहर के रिहायशी इलाके में केरोसिन तेल का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार पुलिस की मिलीभगत से ही हो रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन फौरन वहां से लौट गए। इधर घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 6 छोटी बड़ी गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन वहां से लौट क्यों आई। इधर अवैध केरोसिन तेल का कारोबार करने वाले कैलाश घटना के बाद से फरार है। सवाल अब ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वरीय अधिकारी घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंची। सवाल उठ रहा है कि रिहायशी इलाके में इतने बड़े पैमाने पर आखिरकार केरोसिन तेल का काले कारोबार कैसे चल रहा था। कैस की जानकारी मुजाहिदपुर पुलिस को रहते भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हालांकि इस हादसे में गरिमत रही कि किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई। निजी अस्पताल के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मौके के पर पहुंची पुलिस ने ये भी देखा कि वहां पर बड़े बड़े 6-7 ड्रम तेल के पड़े हुए थे। फिलहाल अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुछ महीने पहले भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजबली चक में ब्लास्ट में 15 लोगों ने अपनी जान को गंवा दी। पुलिस ने कई एंगल से जांच की। अवैध पटाखा बनाने वाले लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई भी की, लेकिन अवैध तरीके से जानलेवा पदार्थ को बनाने में लोग बाज नहीं आ रहे हैं और प्रशासन कार्रवाई न करने की वजह से खानापूर्ति कर रहे हैं। कैसे लगी थे सर? आग कैसे लगा हमको नहीं पता। बच्चा सबको जो है ना स्कूल जाने का तैयारी कर रहे थे। मेरा हस्बैंड ड्यूटी पे जाने वाला था, सबका लंच तैयार किए थे। जैसे आग लगा जोर से ना, तो मम्मी के साथ मेरी कैसी है इसको पहले बाहर किए। पूरा आग जो है ना बंद तुरंत बुझाने के लिए बुझेगा वो सर। बहुत सारा आग लग गया था। तो ये क्या डीलर था या कंट्रोलर था? अब क्या, पहले तो पहले डीलर था, बहुत पहले। तो ये जो तेल जो रखा हुआ था ये पहले आप सूचना नहीं सर? हम लोग को थोड़ी भी सर पता है। मेरा घर में सर बहुत सारा नुकसान हुआ है, कभी भी मेरा भी घर गिर सकता है। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा इसका क्या नाम था डीलर का? सवन बबलू प्रसाद। कितने साल से ये मतलब केरोसिन का धंधा कर रहा था? बहुत पहले करता था सर। तो बंद था तो अवैध रूप से रखा गया था क्या? क्या नहीं, ये सब तो नहीं है ना सर पता। कौन क्या करता है उसके दिल में जाकर जानकारी है नहीं, नहीं था आप तो हमको पता नहीं। हम टोटो चला गए, बोला मोहल्ला में आग लगा है, हम तो दौड़ते हुए आए। कितने बजे आग लगे थे? पता नहीं है, हमको पता नहीं है। हम आए, आग लगा, सब उतारा था, हम भी मिल करके अंदर घुस के बिल्कुल अंदर चले गए। आग के अंदर में घुस करके बुताया। मैं ना आदमी है सर आग बुताने वाला। यहाँ शाम तक को तो बुता दे, मुझे पब्लिक मिल के सब मिल के। क्या नाम है आपका? अमन दास। आग कितना तेज था? बहुत भयंकर तेज था, अगम का 30 फीट ऊपर। अगर आग पे काबू नहीं पता क्या कितनी बड़ी आग। इतना गर्मा टोला मोहल्ला जनजाहित बहुत क्षति होती है। आग किस वजह से लगी हुई थी सर? ये आग से घूमने सिलेंडर की वजह से आग लगी है। क्रॉस में स्टॉकिस्ट था, यहाँ पे डीलर थे। ये डीलर मतलब अभी भी डीलर है क्या? जी जी, और अभी भी डीलर है वो है। अभी भी मतलब कि जैसे क्रॉसिंग कंट्रोल में था, स्टॉक था, उसी में आग पकड़ ली वो। कितना लीटर क्रॉसिंग स्टॉक में होगा? ज्यादा नहीं है सर, फिर भी यहाँ दिख रहा है 5 ड्रम यहाँ रखा हुआ है। डीलर का क्या नाम है? नहीं पता सर। हम सर हमारे घर पास पड़ते हैं, तो मैं ऐसे देख आग लगा, तो मैं इधर आया देखने के लिए, तो फिर मैं सबमिट हुआ इसमें रात का। आग बहुत रफ्तार में थी ना? जी सर, बहुत ज्यादा। और बता रहा कि मतलब आग धमक रहा, फुल फ्लेजर में हो रहा था वो। आपका नाम? फट रही थी वैसे आग बढ़ रही थी वो। आपका नाम क्या? मेरा नाम नीरज कुमार है।